अभी क्या चल रहा है? कुछ दिनों पहले कोई और था, जब मैं पहुंचा ही नहीं था केप टाउन तभी लोगों ने बोल दिया कि मैं एलिमिनेट हो गया हूं। तो ट्विटर और सोशल मीडिया पे जिसको जो जी में आता है वो छाप देता है यार। पिछले हफ्ते वो अर्जुन के ऊपर बोल रहे थे, आज मेरे ऊपर बोल रहे हैं। टीम में एक लड़की होती है ना जो लड़कों को सबको कंट्रोल करती है, सबसे वो फ्रेंडशिप होती है सबकी, सबकी वो बातें जानती है, सबसे बातें करती है। तो निकी उसमें की है, निकी बहुत अच्छी दोस्त है। अथर्व खिलाड़ी के बारे में कुछ बता दीजिए, आस्था के का एलिमिनेशन हो गया। हाँ, आस्था का आस्था एलिमिनेट हुई। एक गेम शो है, किसी ना किसी को तो जाना ही है, कोई ना कोई एक जीतेगा ही। लेकिन बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छी इंसान है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, स्ट्रांग प्लेयर थी, निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो जितना पता है कि आस्था एक गो एंड गेटर गर्ल है और खेल करते रहती है हमेशा। आस्था गेल खेलेंगे। सर विनर कौन है? मैं तुम विनर के लिए टाइम है ना, देख लेना। ऐसा कोई बताता है क्या विनर कौन है? विनर मैं बताता हूँ, विनर है सिद्धार्थ शुक्ला। अर्जुन नहीं, रुक रुक, फैंस ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है इस समय। किस चीज का? अर्जुन बिजलानी जी का। मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक ही सोशल मीडिया पे हूँ, वो इंस्टाग्राम, और मुझे उतना पता नहीं है ट्विटर का। और अभी क्या चल रहा है? कुछ दिनों पहले कोई और था, जब मैं पहुंचा ही नहीं था केप टाउन तभी लोगों ने बोल दिया कि मैं एलिमिनेट हो गया हूँ। तो ट्विटर और सोशल मीडिया पे जिसको जो जी में आता है वो छाप देता है यार। तो भाई आप मानते हैं अर्जुन बिजलानी विनर है? मैं आप दिल से मानते हैं कि अर्जुन भाई? मैं दिल से मानता हूँ कि इस शो में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ना वो सब विनर है। बहुत डिफिकल्ट शो है यार, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे आया था मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वहाँ जाके पता चलता है। एक तो इतना बड़ा शो है, आई डोंट थिंक कि किसी के पास आता होगा तो ऐसे लोग बोल देते होंगे कि नहीं करने में। बहुत डिफिकल्ट शो है, जितने भी लोग आए थे सब लोग मेरे लिए, मेरी नजर में विनर है। टीम में एक लड़की होती है ना जो लड़कों को सबको कंट्रोल करती है, सबसे वो फ्रेंडशिप होती है सबकी, सबकी वो बातें जानती है, सबसे बातें करती है। तो निकी उसमें की है, निकी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत कमाल की। श्वेता तिवारी जी मामा, तो यार मामा के बारे में बोलना ही क्या है, 5 साल से जानता हूँ मैं, इतना प्यार मैं उनको करता हूँ। आई डोंट थिंक की किसी को एक्टर्स को मैंने इतने, मतलब इतना प्यार करता हूँ शायद, मुझे लगता है आकृति और उसको छोड़ के मायरा को। लेकिन मामा जो है बहुत ही कमाल की लेडी है, एंड आई ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट। आप तो शेरनी हो, खतरों खिलाड़ी की शेरनी हो, बोल रहे फैंस बोल रहे आपके इस समय के एक ही है विनर तो है श्वेता तिवारी जी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी बेटर कंटेस्टेंट्स हु आर डूइंग बेटर जॉब इन खतरों के खिलाड़ी, दे आर डूइंग बेटर स्टंट। दिव्यांका बहुत अच्छा कर रही है अपना, विशाल बहुत अच्छा कर रहा है, अर्जुन बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर गुड। और मैम कल आस्था जी का एलिमिनेशन हो गया है, क्या कहना चाहोगे? किसी को तो जाना ही है, हर हफ्ते कोई ना कोई जाएगा, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ दिस शो, हर कोई जाएगा। और मैम ट्विटर पे और चल रहा है उनके फैंस का आपके ऊपर कुछ बोला जा रहा है कि कब, किसके, पिछले हफ्ते वो अर्जुन के ऊपर बोल रहे थे, आज मेरे ऊपर बोल रहे हैं, अगले हफ्ते किसी और के ऊपर बोल रहे नहीं, क्योंकि आज बहुत चल रहा था कि श्वेता तिवारी की वजह से ऐसा हुआ, वो चालक लड़की है। नहीं ऐसा किसी वजह से तो हो गई, किसी ना किसी वजह से हो गई। अभी आई हैड फेथ इन आस्था, दैट्स व्हाई शी वाज इन माय ग्रुप, इसलिए मैंने उसको अपनी टीम में लिया था, बिकॉज मुझे पता है उसमें कितनी पोटेंशियल थी, बट हार्ड लक से वो करना था नॉमिनेट तो हुआ। बोलते रहेंगे ये वॉर चलता रहेगा, कल 2 दिन के बाद कुछ और वॉर शुरू हो जाएगा, दिस वॉर नेवर एंड। लेकिन आपके फैंस का आपको फुल सपोर्ट है, अभी भी फुल सपोर्ट है, और वो जो वॉर कर रहे हैं 2 दिन के बाद वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे। सो इट्स, ये आता जाता रहता है, ये हवा की तरह है, इट जस्ट कीप्स कमिंग इन।